तो भाई अगर आप एक रोनाल्डो फैन हो और बात अभी तक समझ नहीं आ रही, डाइजेस्ट नहीं हो रहा, इतने इंपॉर्टेंट मैच में, नॉकआउट मैच में रोनाल्डो को बेंच किया तो क्यों किया? और एक बार बता दो भाई, नेक्स्ट मैच क्वार्टर फाइनल में रोनाल्डो स्टार्ट करेगा वर्सेस मोरक्को या फिर नहीं? एंड एट द सेम टाइम भाई, ये वीडियो उन हेटर्स के लिए भी है जो एक एजेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं भाई, कि रोनाल्डो यूनाइटेड पर भी बेंच पे था बिकॉज उसकी जो हरकतें थी, जो उसका बिहेवियर था, और पोर्चुगल साइड में भी नॉकआउट मैच में, इतनी इंपॉर्टेंट मैच में वो बेंच पे गया बिकॉज उसकी जो हरकतें हैं, जो उसका बिहेवियर है। ठीक है भाई, आप हेटर्स अपना काम करो, मैं रोनाल्डो एज अ रोनाल्डो फैन मैं अपना काम करता हूँ, यही फुटबॉल है, मजा आएगा भाई। अब इस वीडियो में आपको समझ आएगा क्यों बेंच पे क्या और क्या नेक्स्ट नेक्स्ट मैच वो स्टार्ट करने वाला है या फिर नहीं करने वाला। मैच 6-1 वर्सेस स्विट्जरलैंड, पहली लाइन सेंटोस की, इट्स अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन था भाई, और हम इसके लिए पहले से प्रिपेयर कर रहे थे। अब देखो यार, अगर आप पोर्चुगल साइड को पहले से, बहुत पहले से फॉलो करते आ रहे हो, आपने एक लाइन 100% सुनी होगी सेंटोस के बारे में, उनके कोच के बारे में, कि इतनी अटैकिंग इनके पास प्लेयर्स हैं, बट एक डिफेंसिव अप्रोच के साथ उतारता है ये लाइनअप सेंटोस, और उसने किया है। जितने भी इंपॉर्टेंट मैचेस में आते हैं वो जाना प्रेफर करता है विद टू डिफेंसिव मिडफील्डर्स। अगर आपने नोटिस किया वर्सेस स्विट्जरलैंड, सिर्फ एक डिफेंसिव मिडफील्डर था। अब आप एक एग्रेसिव मिडफील्ड देखो, एक अटैकिंग लाइनअप देखो, किसकी? पोर्चुगल की। ओटावियो स्टार्ट किया, ब्रूनो स्टार्ट किया, और किसने स्टार्ट किया था? बर्नार्डो सिल्वा ने स्टार्ट किया था। अब इतनी अटैकिंग मिडफील्ड खिलाने के बाद उसने बोला एक रोनाल्डो को बेंच पे डालने का एक ही रीजन, दो रीजन थे मेरे हिसाब से। एक तो रीजन था जो उसने क्लियर किया, मोबाइल स्ट्राइकर चाहिए था, मोबाइल स्ट्राइकर चाहिए भाई। रोनाल्डो 38 होने वाले भाई, 38 इयर्स रोनाल्डो से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो मुझे नहीं पता। मुझे पता है क्या एक्सपेक्ट मैं करता हूं उससे एज अ फैन, जितना मैं कर सकता हूं इस समय। तो भाई उसको बेंच पे किया क्योंकि उसको एक मोबाइल स्ट्राइकर चाहिए था, इतने अग्रेसिव मिडफील्ड खिलाई थी। और सेकंड थिंग भाई, रोनाल्डो 38 का हो, 40 का हो, 50 का हो, इतने इंपॉर्टेंट मैच में बेकार फॉर्म हो रोनाल्डो की भाई, बट रोनाल्डो से फटेगी सामने वाली टीम की जब मैच होगा नॉकआउट मैच। 100% सामने वाली टीम प्रिपेयर करेगी, पूरा दिमाग लगेगी रोनाल्डो को कैसे कंटेन करना, जो भी है प्रिपेयर करेंगे फॉर रोनाल्डो। अब इधर क्या किया, जिस तरह उसने अप्रोच किया, जिस तरह सेंटोस ने अप्रोच किया भाई, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन डाल दिया स्विट्जरलैंड के लिए गोंजालो रामोस। कोई नहीं जानता डेब्यू कर रहा, कुछ आइडिया नहीं क्या है क्या नहीं है। और भाई फेवर में काम चीज की, काम आया सेंटोस के, काम आया, वो जिस अप्रोच से गया था वो चीज काम आई। और ये जो एग्रेसिव मिडफील्ड खिलाई थी, इसका एक और बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है डिफेंसिव लाइन में, जिसकी कोई बात नहीं कर रहा क्योंकि हर जगह हेडलाइन है रोनाल्डो रोनाल्डो रोनाल्डो, रोनाल्डो के बिना पोर्चुगल बेटर है, रोनाल्डो के बिना ये वगैरह वगैरह। तो एक और बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा था राइट बैक, वन ऑफ द बेस्ट राइट बैक इन दिस फकिंग वर्ल्ड, वन ऑफ द बेस्ट राइट बैक को भी बेंच कर दिया गया था बिकॉज ऑफ दिस, ये अपना जो अप्रोच किया था एग्रेसिव मिडफील्ड के साथ गए थे। क्यों? क्योंकि भाई डायलॉट वो ज्यादा एक डिफेंसिव साउंड है, ज्यादा वो डिफेंसिव तगड़ा है अपने कैंसिलो से, बट यहां कोई बात नहीं कर रहा कैंसिलो को बेंच पे कर दिया, क्यों कर दिया, यहां कोई नहीं बोल रहा उसकी उसका बिहेवियर की वजह से बेंच, क्यों नहीं बोल रहा, क्यों? क्योंकि उसका नाम रोनाल्डो नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट मैच में क्या रोनाल्डो स्टार्ट करेगा या फिर नहीं करेगा क्वार्टर फाइनल्स में? तो भाई देखो, ये सब ये बताना बहुत मुश्किल हुआ क्योंकि ये चीज अब सेंटोस कैसे अप्रोच करता है इस मोरक्कन साइड को भाई, क्योंकि इनका ये बहुत डिफेंसिवली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये सब डिपेंड करता है कैसे अप्रोच करने वाला है। 4-1-4-1 जाना प्रेफर करते हैं, डिफेंसिव बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऑर्गेनाइज है, आपने देखा हो वर्सेस स्पेन, तो कैसे अप्रोच करता है भाई वो तो यही बताएगा। क्योंकि मेरे हिसाब से जो मोमेंटम बना हुआ है गोंजालो रामोस का, मेरे ख्याल से स्टार्ट करना, अगर ये करेगा तो मैं शॉक नहीं हूंगा भाई, क्योंकि जो मोमेंटम बना हुआ हैट्रिक मार के यार, तो मेरे ख्याल से स्टार्ट कर तो मैं शॉक नहीं होगा। बट एज अ रोनाल्डो फैन दो चीज क्लियर करता हूं बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, दो चीज क्लियर कर देता हूं। पहली बात, मेजर पार्ट जो मैं इस वीडियो का मैं कवर कर रहा हूं, मैंने भाई ट्विटर पे वीडियो देखी थी, वहां से मेरे को बहुत अच्छे से ये आइडिया लगा, तो मैं पहली बता दूं क्रेडिट्स मैं नहीं लेना चाहता ये सब। और सेकंड थिंग भाई, एज अ रोनाल्डो फैन कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 गेम पड़े हैं मेरे भाई। एज अ रोनाल्डो फैन आप ये मत सोचो रोनाल्डो स्टार्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है भाई, रोनाल्डो के पास जब वो वर्ल्ड कप ट्रॉफी होगी ना, जब वो हिस्ट्री में लिखा जाएगा भाई, सब भूल जाओगे। और भाई भूल जाओ 38 साल के रोनाल्डो को, भूल जाओ एज एक्सपीरियंस, अगर वो सबसे आता है एक्सपीरियंस डालता है इस टीम में भाई, मैं बहुत खुश हूं, मेरे को जरूरत नहीं है वो हर गेम स्टार्ट करे, उसको कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं मेरे भाई। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, आई विल सी यू वेरी सून। Thank you.